हेलो, दिस इज मिस्टर एस प्रसाद, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। आज आपके बीच एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कैपिटल गेन टैक्स, जिसको 54EC बॉन्ड भी कहा गया, इस पर चर्चा करूँगा। और चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है कि कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स की राशि बहुत बड़ी होती है। वैसे भी कैपिटल गेन का ट्रांजेक्शन बहुत बड़ी राशियों से होता है, 20 लाख, 50 लाख, इवन मोर देन करोड़ एंड करोड़ आल्सो। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, ए पर्सन हैज परचेज्ड ए रियल एस्टेट ऑफ 50 लाख्स एंड आफ्टर सम इयर्स ही हैज सोल्ड इट फॉर 1 करोड़ एंड अबव, से फॉर 1 करोड़ ही हैज गॉट ए कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 50 लाख्स। ऑन दैट 50 lakhs, he has to pay long-term capital gain tax up at the rate of 20%. Thereby, he has to pay 10 lakhs as tax on his selling of the property. This is a very big amount. That's why this is a very important topic to know for all of us, कि एक capital gain tax का bond क्या होता है, 54EC bond क्या होता है, इस पर मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों, मैं अपने टॉपिक्स पर वापस आने के पहले आपसे पुनः एक निवेदन करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और पुनः एक निवेदन और करूंगा, चूंकि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये बहुत रेयर टॉपिक्स है जो आपको वीडियो में मिले, इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे टू गेट द फुल बेनिफिट ऑफ द टॉपिक्स। लेट अस स्टार्ट, हम अभी स्टार्ट करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स, व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स और बॉन्ड क्या है। द बॉन्ड विच प्रोवाइड एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स बॉन्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 54EC बॉन्ड। Actually, there is no 54EC bond. It is a section of Income Tax Act. And under this act, if the amount is invested, it exempt from the long-term capital gain interest tax. That's why it is also called 54EC bond. मैं दोस्तों फिर बताऊं कि इस 54EC बॉन्ड में एलिजिबिलिटी जो है, देर आर सेवरल टाइप ऑफ एसेट, सभी एसेट के सेल से होने वाले कैपिटल गेन का लाभ इस बॉन्ड को परचेज करने से नहीं मिलती है। ओनली ट्रांजेक्शन फ्रॉम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एंड इफ देर इज ए कैपिटल गेन and those people purchase this bond, they will get the exemption from this capital gain tax. Real estate के sale से होने वाले capital gain पर लगने वाले tax के exemption के लिए 54EC bond में पैसा लगाने से complete capital gain tax की बचत होती है, right? तो दिस इज स्पेशली फॉर रियल एस्टेट कैपिटल गेन टैक्स सेवर बॉन्ड। अब इस कैपिटल सेवर बॉन्ड की फीचर्स मैं बता दूं, दिस इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो इट इज सेफ एंड सिक्योर। नंबर दो, दिस इज द सेफेस्ट वे to exempt yourself from long term capital gain tax. Number four, there is a provision for 5% simple interest on the bond amount and you are getting regularly interest on yearly basis. Next, there is no bar for purchasing of this bond. There is no age bar for purchasing of this bond.
किसी भी एज का व्यक्ति जिसके नाम से प्रॉपर्टी अगर सेल होता है कैपिटल गेन करता है, दे कैन परचेज दिस टाइप ऑफ बॉन्ड टू गेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस कैपिटल गेन टैक्स. इवन एनआरआई इज ऑल्सो एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड टू गेट एग्जेम्प्शन फ्रॉम कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. मैक्सिमम टेन्योर इस बॉन्ड की क्या है, 5 ईयर्स का बॉन्ड है. इंटरेस्ट रेट 5% है सिंपल रेट से, जो कि ईयरली एक्युमुलेटिव नहीं होता है, इसका इंटरेस्ट ईयरली आपके खाता में आता है. मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 50 लाख है इन ए फाइनेंशियल ईयर. इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो इस बॉन्ड में इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं है. व्हेन द परचेजर इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट टैक्स एग्जेम्प्शन अंडर सेक्शन 80C. इवन द इंटरेस्ट अर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट द इंटरेस्ट इज ऑल्सो नॉट टैक्स फ्री, दिस इंटरेस्ट आर टैक्सेबल एंड दस आर टैक्स. द इंटरेस्ट इज added to their income and is taxed as per the investor's tax slab. Maximum investment in a year is 50 lakhs. इसमें एक बड़ा ये है कि इस bond का tax exemption का लाभ only real estate in इन्वेस्टमेंट से होने वाली कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की राशि वाले व्यक्ति ही ले सकते हैं. किसी अदर एसेट के कैपिटल गेन के लाभ से लेने वाले लोग इसका लाभ नहीं ले सकते हैं. दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड टैक्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस बॉन्ड एंड दे आर नॉट अलाउड टू परचेज दिस बॉन्ड आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. इसमें इन्वेस्टमेंट जो बॉन्ड इशू करता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आर इशूइंग बॉन्ड, दीज ऑर्गेनाइजेशन आर अप्रूव्ड एंड बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर इशूइंग बॉन्ड्स एंड दीज ऑल आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दीज कॉर्पोरेशंस आर इशूइंग बॉन्ड्स एंड सेलिंग इट थ्रू डिफरेंट बैंक्स. मैं अब बताऊँ थोड़ा सा इस पर कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, दिज ऑल आर द इंस्टीट्यूशन हु आर इशूइंग बॉन्ड्स थ्रू डिफरेंट बैंक्स. दिज बैंक्स आर HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, इको इंडियन बैंक एंड SBI बैंक. पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू परचेज दिस बॉन्ड्स दे मे कंटेक्ट टू द बैंक फॉर देयर ओन पर्पज. ये बॉन्ड्स कैश में परचेज नहीं होते हैं, दीज आर परचेज बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन. बॉन्ड्स आर यू कैन कीप इट इन ए फिजिकल फॉर्म और इन डीमेट फॉर्म. डिपॉजिट लिमिट जैसे मैंने बताया ये 50 लाख है. डिपॉजिट कैनॉट बी स्प्लिट इनटू टू फाइनेंशियल ईयर. इसको थोड़ा सा स्पष्ट करूँ ये क्या कहना चाह रहा है. डिपॉजिट कैनॉट बी स्प्लिट इनटू टू फाइनेंशियल ईयर. से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी इन नवंबर इन एनी ईयर एंड ही हैज अर्न्ड कैपिटल गेन रुपीज 1 करोड़. कैपिटल गेन रुपीज 1 करोड़. देर इज ए प्रोविजन दैट इफ यू आर अर्निंग कैपिटल गेन एंड यू वांट टू
take the benefit of capital gain tax, you have to deposit the entire amount, capital gain amount, into these bonds within 6 months. So the person may invest rupees 50 lakhs up to March for the current year. Say for example, November 2000 में ये सेल किया, तो मार्च 2021 तक 50 लाख से परचेज सेल कर इन्वेस्ट कर सकता है. रेस्ट 50 लाख्स दैट विल बी इन्वेस्टेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दिस इज नॉट अलाउड बाय द प्रोविजन. सो ही कैन गेट द बेनिफिट ऑफ कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फॉर 50 लाख्स, एंड फॉर रेस्ट 50 लाख्स ही हैज टू सर्च आउट द अदर ऑप्शंस, अदर मेथड्स. सो डिस्प्लिट ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्लियर हो गया. इसमें कोई चाहे कि चलाकी करना कि 50 इस फाइनेंशियल ईयर में कर दें, 50 अदर फाइनेंशियल में कर दें, सो दैट टू गेट द बेनिफिट ऑफ रुपी 1 crore 4, दिस इज नॉट पॉसिबल. इस बॉन्ड में मैच्योरिटी का पीरियड 5 years है, इंटरेस्ट रेट 5% है, सिंपल है, और रेट सिंपल इंटरेस्ट का है. इंटरेस्ट ऑन ईयरली बेसिस आपके खाता में कंपनी द्वारा, बैंक द्वारा क्रेडिट कर दिया जाता है. एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 years, जो प्रिंसिपल अमाउंट, योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड बैक टू यू बाई द बैंक, बाई द कॉरपोरेशन, वट एवर. इंटरेस्ट की राशि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का समय अलग अलग होता है. कुछ ऑर्गेनाइजेशन अप्रैल में इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं, कुछ जुलाई में करते हैं, कुछ जून में करते हैं. सो दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट मैटर. देख करते हैं, साल में एक बार उनको इंटरेस्ट करना है, सो देते हैं. इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऑलवेज सिंपल है, ये कंपाउंडिंग नहीं होता है. प्री मैच्योर क्लोजर की सुविधा इसमें नहीं है. वन कैनॉट अलाउड टू प्री मैच्योर क्लोज ऑफ दिस बॉन्ड. और दूसरे साथ साथ इस बॉन्ड का सेकेंडरी मार्केट में कोई ट्रेडिंग नहीं है, सो यू कैन नॉट सेल इन ऑल्सो इन सेकेंडरी मार्केट. नॉमिनेशन के फैसिलिटी है, यू कैन नॉमिनेट ऑफ योर फैमिली मेंबर फॉर 1 or 2, सो ही विल गेट द बेनिफिट आफ्टर व्हेन यू विल नो. लोन अगेंस्ट बॉन्ड, इसमें लोन अगेंस्ट बॉन्ड का कोई प्रोविजन नहीं है. नाइदर द बॉन्ड हैज बीन सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट, सो इट इज क्लियर दिस इज ब्लॉक फॉर 5 years एंड यू आर गेटिंग रेगुलर इंटरेस्ट. ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है, ये बॉन्ड किसी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. नाइदर इट कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट. सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बॉन्ड, वट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बॉन्ड या 54EC बॉन्ड, एक बॉन्ड है विच इज इशूड बाय दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बैक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेव द टैक्स लाइबिलिटी अराइजेज आउट ऑफ सेलिंग ऑफ योर रियल एस्टेट विच इज इन ए बिग अमाउंट. दिस इज द ओनली ऑप्शन टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. वेयर यू आर गेटिंग इंटरेस्ट रेगुलरली ईयरली बेसिस एंड योर फंड विल बी रिटर्न आफ्टर 5 years ऑफ टेन्योर. टैक्सेशन की कोई सुविधा नहीं है. तब ये है, उस इन्वेस्टमेंट का टैक्सेशन का सुविधा नहीं है. आपको टैक्स जो लगने वाली थी लॉन्ग टर्म, उसमें तो जबरदस्त टोटल सुविधा है. जितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, डेट कैन बी इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड एंड यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इनकम टैक्स, लॉन्ग टर्म टैक्स लायबिलिटी. सो आपने देखा इन कंपनियों द्वारा इश्यू किए जाने वाले बॉन्ड, आप किसी में जो भी आप चाहे आप ले सकते हैं. आप बैंक को जाएं, जो भी उपलब्ध हो, IRFC का, PFC का, REC का, NHC का, कोई भी बॉन्ड ले सकते हैं. जितना कैपिटल गेन हुआ उतने का परचेज कर लें. 5 years तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, पैसे बबल्स है. आप जो 15-20 lakh, 10 lakh जो टैक्स देना था उससे बच गए, तो बहुत बड़ी बात है. दीज आर दी डिटेल्स अबाउट
कैपिटल गेन टैक्स बॉन्ड, जिसको 54EC बॉन्ड भी कहा गया है। आई थिंक दिस इज द वेरी क्लियर कंसेप्ट अबाउट द कैपिटल गेन टैक्स बॉन्ड 54EC बॉन्ड। मुझे उम्मीद है आप ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बावजूद अगर कोई बात हो, यू कैन राइट इट इन योर कमेंट्स एंड डोंट मिस टू सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर ओके।